बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉइज टीवी, जहां पे हुकूमत ने 30 से 35% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया, उसके साथ ही हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के साथ बड़ा हाथ कर दिया जी, लाखों का नुकसान। आज की इस वीडियो में, इससे पहले बहुत सारी वीडियोस के बारे में आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में स्केल वाइज बताऊंगा कि आपको कितना नुकसान होने जा रहा है। वहां पे तो किसी एक ही तनख्वाह से पता चलता था, लेकिन यहां पे आपको स्केल वाइज एक स्केल से लेकर 22 स्केल तक बताऊंगा कि आपको कितने नुकसान होने जा रहा है इनकैशमेंट का, जो कि हुकूमत कम करने जा रही है, बेसिक से इनिशियल पे ले आई है। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। ये देखें, स्केल नंबर एक में जाएं तो आपकी जो 1 जून 2023 से पहले आपको इनकैशमेंट मिलनी थी 3,17,400 रुपए, अब 1/6 के बाद अगर आप रिटायरमेंट पे जाते हैं तो आपको इनकैशमेंट मिलेगी 1,62,600 रुपए, 1,54,800 का नुकसान। स्केल नंबर दो की बात करें तो 3,42,240 मिलने थे, अब मिलेंगे 1,65,840, 1,76,000 का आपको नुकसान होने वाला है। स्केल नंबर तीन की बात करें 3,79,920 और इस तरह, अब मिलेंगे 1,71,120, 2,00,000 का नुकसान। स्केल नंबर चार की बात करें तो 2,37,600 का नुकसान। स्केल नंबर पाँच की बात करें तो 2,70,000 का नुकसान। स्केल नंबर छः की बात पाँच की बात करें तो 2,70,000, छः की बात करें तो 3,02,400, सात की बात करें 3,27,000, आठ की बात करें 3,60,000, नौ की बात करें 3,92,000 और इस तरीके से 10 स्केल की बात करें तो 4,28,000, 11 की बात करें 4,71,000 और 12 की बात करें 5,14,000, 13 की बात करें 5,61,600 और इस तरीके से 15 की बात करें तो 7,12,800, 16 की बात करें तो 8,13,600, 17 की बात करें तो 8,20,800, 18 की बात करें तो 10,22,000, 19 की बात करें 10,87,000, 20 की बात करें 11,23,000, 21 की बात करें 12,24,000 और 22 की बात करें तो 14,63,280 रुपये का नुकसान। इतना बड़ा नुकसान आज तक आपने नहीं देखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।